पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं बाइक लेकर निकला अपनी मौसी जी के गांव, वो भी 15 सालों के बाद। देखिए कैसे रहते हैं वो गांव में और कैसा है ये गांव और वहां के खेत और उनका परिवार। नमस्ते जी। हाँ क्या गुड़िया ये क्यों पिया फिर, अगर ये गुड़िया नहीं है तो। अरे नहीं बस 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 बस। हेलो हाय हाउ आर यू। हाँ पंकज जी मिल गया मेरे को, यही मिला रास्ते, उसने तो रास्ता बताया। आ रहा हूँ, गोल गाड़ी घुमा के ला रहा होगा। ये कौन है? हेलो हाय, वो आप मेरे लिए फ़ोन कर रहे हैं, बोल दो मैं पहुँच गया। हाँ मम्मी का फोन है, रास्ता पूछ रहे हैं मेरे लिए। उम्मीद है यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पूरी सीरीज आ रही है मेरा गांव मेरा देश के नाम से। अच्छा, 100 एपिसोड और क्या जी, 15 साल बाद आया हूँ। 15 साल बाद सारे खेतों के गाय भैंस ये मशीन घास काटते हुए ट्रैक्टर चरखी गुड ऐसे करो ये रुक जाओ, पहले 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 ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करते जाओ। Yay, very good. अबे एक आगे पीछे नहीं करना था, दोनों एक साथ करने थे। अब बोलो हेलो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहे हो? कुजोने भाई जी। अभियंत बोलो, अभियंत। हेलो अभियंत। हेलो अमित। हेलो हेलो अभियंत। पापा पापा तो गए। हेलो हेलो अभियंत। हेलो अमित। हेलो 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 अभियान। चलो जंप लगा, वन जंप लगा, दोनों पैर मिला के चलो जी। मैं सारे अपन काम में नहीं आऊंगा, मैं लेकिन उसको तो कमेंट में दे दूंगा। वेरी गुड, 20 तक काउंटिंग आ गई आपको, अब 25 तक करो। 21 22 23 24 25 देर से बोला पर जबरदस्त बोला भाई। अब इतना बोल ले कि दिमाग चाट ले। दे दो। This is the village life. ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों में छोटा सा, जैसे हमारे पास किचन गार्डन होता है, गार्डन बनाया जरूर है, इसमें कुछ प्लांट्स हैं फ्रूट्स के और डेली रूटीन। फिर था याद उसके बाद में उसको तो अभी अमरूद लगे हुए हैं। ये है वो जो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, ये खट्टे मीठे वाला। अच्छा। और वो वाला बूढ़ों के लिए, वो सॉफ्ट वाला जैसे अभी हरा होगा ना शाम तक पीला हो जाएगा। ये नींबू है ऑरेंज साइज, वो वाला आपको पता ही है।
सबसे पहले था बड़े वाला, मुझे नहीं पता कौन सा, तो काफी बड़ा लगा हुआ है। हाँ वो झाड़ जैसा ही है, बड़े बड़े वाले हैं। अच्छा, और ये वाला जो संतरा टाइप नहीं होता, छोटा सा आएगा, अंदर से ऑरेंज निकलेगा। अच्छा जी, तो टुकड़े रह गए। नहीं वो है अभी, उसमें मैंने क्या किया, इसको ना तोड़ने की बजाय इसको पूरा खत्म ना करके फ्यूचर में हो सकता है कि दोबारा जानवर रखने पड़ जाए। ओके, तो इसमें रेत भरा और इसके ऊपर ना पुदीना उगा दिया, मिंट लगा दिया। सही है, बोला ये भी अमरूद वही है, ये मतलब कम क्वालिटी आएगा लेकिन आधा आधा किलो तक साइज हो जाता है। अच्छा, बच्चा है, बड़ा होगा तो इतना बड़ा होगा। आप जोड़ता गया पहले, यही तो ना पहले जोड़ अभी ऐसे धीरे 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 सब अपने कवर करते जा रहे हैं, जिसको जितना चाहिए उस हिसाब से जा रहे हैं। अभी निर्माण और स्टोरेज का सिस्टम ही नहीं रह गया, क्योंकि सरकार जाग नहीं रही है, तो गांव के लोग भी तो लालची हो गए, सबको जमीन पे कब्जा करना है यहाँ पर, उसके बदले वहाँ रोड बनाए, धीरे 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 अतिक्रमण चालू है। हाँ अभी एक योजना आने वाली है जिसके तहत सारे तालाब जितने भी हैं रजिस्टर्ड वो सब खुदाई होगी, जब खुदाई होगी तब टूट जाए। वैसे जिसको घर मिल गया वो टूटेगा नहीं, कन्फर्म है। अच्छा, जिसका जहाँ तक घर बन गया है, घर अगर उसको हाउस नंबर मिल गया है तो कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि वो उसको तोड़ दे। अगर उसको तोड़ती है सरकार तो सरकार बना कर देगी कहीं पर बदले में, ये कानून है, प्रावधान है उस कानून। ऐसे लोगों तो उल्टे सजा मिलनी चाहिए कि तुम लोगों की नीयत खराब है। एक्चुअली क्या होता है, तुम लोगों का मुकदमा चलेगा, इन पर मुकदमा दायर होगा, उस मुकदमे की तारीखें लगेंगी, दो तीन साल आपको केस लड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपको केस फाइनल होता है तो या तो आपको जो है सरकार मकान बना कर देगी सेम अलग कहीं पे, ठीक है, या इसका आपसे पैसा ले लिया जाएगा। हम लोग 30 साल देखें, 30 साल में हमने बहुत कुछ देख लिया, कभी हम गांव से बिल्कुल बाहर थे, दूर दूर तक कुछ नहीं था, अभी मुझसे आगे चले गए ये लोग सब। हाँ, गांव फैलते ही जा रहे हैं, इतनी दूर आ गए, कभी हम बाहर थे। हाँ, कभी हमारा आखिरी घर होता था ये आखिरी घर था, ये आखिरी घर था, हाँ गांव के एकदम बाहर था। मैं दिल्ली जब गया, मैंने सर्च किया है 2006-07 की बात है, तो हमारा सबसे अलग घर दिखाई देता था, और आज के वक्त में आप सर्च करो तो मेरे से तो बहुत आगे तक घर ये बन गए, उससे आगे भी चले गए, इस पर कुछ नहीं था यहाँ आगे तोड़ पे, पूरी खाली थी, और अभी तो देखो लास्ट तक बना, ये घेरी कहाँ बना है। मेरे को तो दुख होता है देख देख के, लोग फैलते जा रहे हैं, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, और जमीन ऐसी दुख तो नहीं निकलता इससे, ठीक है कि पुराने मकानों से आप बाहर निकल गए हो। फिर वाटर रिसोर्स खत्म कर दिया, खेती लायक जमीन खत्म कर दी, अल्टीमेटली जहाँ पे गांव बसा रहे हैं वहाँ खेत थे पहले, पैदावार होती थी। बिल्कुल है, लेकिन आप सीमित नहीं रह सकते कभी भी। कैसे होगा, हमारे गांव में एक किशोरी था, अब उसके 3 परिवार बन गए हैं, 3 बेटों के, तो बताओ फिर एक के 3-3 बनेंगे, 4-4 बनेंगे, तो फिर तो फैलेगा ही ना। देखिए गांव भी बढ़ेगा। दयाराम जी के यहाँ बाल स्वरूप अकेले पैदा हुए, बाल स्वरूप के यहाँ मैं हुआ, मेरे यहाँ अकेला, तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता पॉपुलेशन के बारे में। तुम एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाओ, मान जाते हैं अगर मैं कह देता हूँ तो। इससे अच्छा है कि कम हो रहा है वो देखे, कंस्ट्रक्शन करना यूजलेस है, जब तक रहने वाले लोग ना हो कंस्ट्रक्शन क्यों करोगे। क्या पेड़ है यार, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसके छोटे छोटे मुरझाएंगे लेकिन बहुत मीठे आएंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब ठंडी ठंडी हवा है यार। आगे चलो कुछ और नज़ारा देखो, क्योंकि यहाँ लगभग हजारों लोगों को पानी, ये रास्ता कहाँ जाता है। हाँ मैं भी थोड़ी आऊँ, मैं भी सबसे पहले जोड़ पे गया, पहली चीज जोड़ पे देखी है, मैंने कहा किया हमारे पहली यार था सच। हाँ सेम ही सेम, एग्जैक्टली सेम, अब तो रह ही नहीं गया जोड़ जैसा, खेड़ा कहाँ है क्या होता है जो पेड़ है ना वहाँ, ये टीला है एक टाइप के, वहाँ उस तरफ एक हाइट की जगह है, यहाँ या वहाँ पे ये वाला है ना, तो जमीन ऊँचा है ना वो धीरे धीरे उस जगह पे। अच्छा, तो इसमें क्या है सब मंदिर वगैरह बने हुए हैं। अच्छा, गए होंगे पहले, मैं कभी नहीं गया, क्रिकेट का मैदान है और ट्रैक बना हुआ है रनिंग के लिए, मैं कभी नहीं गया इसलिए कभी पता नहीं, मैं वो काटना ही पेड़ काटने चला, तो एक लाभ बताओ पैसा कितना, कुछ और नहीं, इसके लिए मेरे को लोग सलाह देते हैं, मेरे को कहते हैं कटवा दे, क्यों भाई मेरे को पैसे जरूरत नहीं है, मैं जो कटवाऊँ काट के मिलेगा क्या, दो मेरे को चाहिए ही नहीं, मैक्सिमम इनके 10,000 मिल जाएंगे, क्या करूँगा, 10 भी ज़्यादा ही है, करूँगा क्या, यूज़लेस
इसको भी बोल। मैंने एक अभी ना छोटा सा पेड़ लगाया था ये वाला, और ये देखो कितना बड़ा रहा। मेरा मानना है कि जितने बच्चे हैं ना सारे तो इसके उससे जमोए आते हैं, जामुन से जमोए आते हैं, बहुत खाते हैं इसके। पूरी पूरी दोपहर इस पर लड़के झूलते रहते हैं बच्चे जितने, और किसी की लाइफ बहुत। हमने यहाँ लोगों के बाद में हमने छोड़े कटा हुआ पेड़ किया है, ये वही वाला पेड़ है, ये गिर गया। ये बेचारा गलत जगह उग गया था। अच्छा, ये अपना वजन संभाल नहीं पाया, इंच वाले गिर गया। और ये मेरे एरिया में सिर्फ यही पेड़ गिरा था ना, छोड़ेगा बाकी आसपास है। मुझे याद है तुंती का पेड़, मिसोड़े के पेड़ गाँव गया था मैं, वहाँ ये सब देख रहा था कौन से पेड़ हट गए। को जाना है उनसे इतना मुझे लेना, आराम से आ जाएगी। दिल्ली में खिचड़ी पड़ती है, दिल्ली में खिचड़ी पड़ती है। तुम दिल्ली में बात करोगे ना, यूँ करता रहूँगा मैं, आदत है मेरी। यहाँ आगे मैं खुद भूल जाता हूँ कि ऐसा करना था। मानना अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये है ना, स्वर्ग चाहिए करोड़ होते हैं ना, आपको लल्लन मिल जाती है 2 करोड़ की, दो जाते हैं 10 की लगती है, 20 की लगती है, धीरे 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 बढ़ा पाते। आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, इस मामले में मैं ठीक हूँ। टेंशन नहीं होनी चाहिए उसके लिए, 1 करोड़ नंबर डालो गाँव में।